बिल्कुल दुखद घटना है। कांग्रेस काल में तो ये नित प्रतिदिन की घटनाएं थी कि कावड़ियों पर पथराव होना, आगजनी होना, कावड़ियों को रोक देना और उनके सत्संग भजन कीर्तन अगर वो कर रहे हैं तो उसे पाबंद कर देना या बंद कर देना, ये कांग्रेस काल में तो था। लेकिन अभी ये बीजेपी के आने के बाद में पूर्णता बड़े आनंद से कावड़िए भी चल रहे हैं, शिव यात्राएं भी चल रही है, अभिषेक भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। अब कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी ये वीडियो आया तो ये दुखद घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और इससे संबंधित अधिकारी वो सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि कांवड़िए काफी दूर से अपनी यात्रा करके आते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, और ये हमारे श्रावण मास की परंपरा भी है, तो इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और अगर पुलिस ने भी ऐसा काम किया या थाने के द्वारा हुआ है, क्योंकि अभी सच्चाई पता नहीं है, अभी ये पता नहीं है कि वो पुलिस से बहस हुई है, क्योंकि वो ड्रेस जो दिख रहा है उसमें सिविल ड्रेस में दिख रहा है वो व्यक्ति, तो ये कह नहीं सकते वो पुलिस का ही है कि बाहर का है। हाँ, ये जरूर है कि आपस में कहासुनी और मारापीटी हो रही है, वो ठीक नहीं है। कावड़ियों के साथ में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार हो उचित नहीं, अगर अधिकारियों ने किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और वो सस्पेंड होने चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, आज सोमवार का दिन है, सावन का महीना है और आज के दिन कावड़ियों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और यही नहीं, झुंझुनू के अंदर भी कावड़िए किसी स्थान पे सब इकट्ठा थे, वहां भी होमगार्ड पहुंच के वहां लाठियों से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। तो मैं समझता हूँ धार्मिकता की दुहाई देने वाली सरकार के अंदर इस प्रकार से कावड़ियों पे जो लाठीचार्ज हो रहा है गलत है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक कॉन्स्टेबल को लाइन हाजिर कर दें, उससे पार पड़ने वाली नहीं है। कौन कौन दोषी लोग हैं जिसकी वजह से सारी स्थिति पैदा हुई, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।